इस बीच राजधानी रायपुर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम भूपेश ने नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान आया है, शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई लेकिन अब छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया गया है। शराब का अवैध कारोबार चल रहा है यहाँ, 2000 करोड़ शराब घोटाला उजागर हुआ है यहाँ, गली गली नकली शराब बेची जा रही है। अरुण साव ने कहा, नशा मुक्ति को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, शराबबंदी के नाम पर सरकार ने धोखा दिया है। ये बात कही है, ये बयान आया है पूरा अरुण साव का, जिन्होंने कहा कि गली गली में नकली शराब बेच रहे हैं, नशा मुक्ति को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती। उन्होंने कहा, शराबबंदी के नाम पर सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया है। सीएम भूपेश ने नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश दिए, उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का ये बयान कि शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई लेकिन छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया।